हाय गाइस, दिस इज साक्षीर एंड वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करेंगे ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी की। ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 2000 ये एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटल 65,000 करोड़ से भी ऊपर है। डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे तो ये 0.24% है जो बहुत ही लो है। इंडस्ट्री पे रेशियो की बात करेंगे तो 32.46 है जो हमें इससे महंगे वैल्यूएशन पे मिल रहा है 44.68। प्राइस टू बुक रेशियो इस कंपनी का 9.17 है और अर्निंग पर शेयर इसका 32.40 है। अगर हम इसके प्रीवियस ग्राफ देखेंगे तो देखिए ये प्रीवियस ग्राफ है, 1.85% का इसने लॉस दिखाया है जिसके भी करंट प्राइस चल रही है वो 1447 चल रही है। अगर हम इसके वन वीक के ग्राफ को देखेंगे तो इसने लगभग 3% का लॉस दिखाया है। इसने वन वीक में जो सबसे हाई दिया वो 1496 था। अगर हम इसके फाइव ईयर के ग्राफ को चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर इसने 112.49% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। पिछले 5 सालों में इसने जो हाई लगाया था वो 1626 था और इसका जो लो था वो बहुत ही लो है, 1600 के अपोजिट 638। अगर हम इसके स्टेटस की बात करेंगे, फाइनेंशियल ट्रेंड देखेंगे, रेवेन्यू इनका जो हुआ 2018 से 2021 तक ग्रो किया है, 8.48 से ग्रो कर 12.68 हो गया है। इनका जो रेवेन्यू अच्छा खासा इस यहाँ पर जंप दिखाया है। प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट भी इनका इंक्रीज हुआ है 0.86 से 1.47। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों ही कितने ज़्यादा ग्रो किए हैं, तो इनके जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं यहाँ पर। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग सबसे ज्यादा दी गई है, यहाँ पर 51.88%। DII की होल्डिंग यहाँ पर 11.14% है, अदर पार्टीज की होल्डिंग 7% है और FII की होल्डिंग बहुत ही शानदार है 29.90%। तो FII और प्रमोटर्स होल्डिंग दोनों ही बहुत ही बेहतरीन है। प्रमोटर्स होल्डिंग 51% की है, FII होल्डिंग 29% की, जो बहुत अच्छी बात है। अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स में प्रोज की बात करें तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी इज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 23.75% CAGR। इनका जो पिछले 5 ईयर में CAGR है वो 23.75% का है, जो एक अच्छी बात है। कंपनी हैज़ बीन मैंशनिंग अ हेल्थी डिविडेंड पे आउट ऑफ 21.33%। कॉन्स की बात करें तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 8.66 टाइम इट्स बुक वैल्यू। इनकी अगर अर्निंग इंक्लूड ऑन अदर इनकम ऑफ रेट 495.52 करोड़। प्रमोटर होल्डिंग आज डिक्रीज, 3 ईयर्स में इनकी जो प्रमोटर्स होल्डिंग है वो डिक्रीज हुई है 4.04%। चार्ट्स में अगर बात करेंगे तो RSI 45 की है और ग्राफ में ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ना वीकनेस शो कर रहा है ना ही स्ट्रॉन्ग शो हो रहा है। MACD और सिग्नल लाइन दोनों ही जीरो लाइन के ऊपर हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रही है और हिस्टोग्राम भी नेगेटिव शो हो रहा है। मूविंग एवरेज की बात करेंगे तो स्टॉक अभी 100 DEMA के ऊपर इसने सपोर्ट लिया है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 100 DEMA के ऊपर इसने क्लोजिंग दी थी। अगर हम इसके पहले बात करें तो कोविड के बाद से पहले ये अच्छा कंसोलिडेशन दिखा रहा था, फिर कोविड के बाद से इसने अच्छा खासा अब मूव दिखाया, अब ये इस रेंज में कंसोलिडेशन दिखा रहा है। यहाँ आपको दिख रहा होगा इस रेंज में ये बहुत टाइम से कंसोलिडेशन दिखा रहा है। एक बात और भी है गाइस कि 200 DEMA के पास वाले पिवट सपोर्ट पर ये सपोर्ट लेता है स्टॉक, या 3 बार हो चुका है यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर से 200 DEMA के नीचे आकर इसके पहले पिवट सपोर्ट पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी ऐसा लिया और यहाँ भी 200 DEMA के पास ही आया था। तो हो सकता है 200 DEMA के पास आकर उसके पहले पिवट सपोर्ट पर सपोर्ट ले। तो अगर हम बाइंग लेवल की बात करेंगे तो आप पहले पिवट सपोर्ट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1367 का पिवट सपोर्ट है और 200 DEMA 1408 पर है। तो आप 13
167 पे विथ सपोर्ट बाइंग लेवल ले सकते हैं या 200 डे ईएमए के पास ले सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो आप इस जोन में कहीं भी बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, यहाँ पर एक अच्छा खासा डिमांड जोन बन रहा है, तो यहाँ पर एक अच्छी बाइंग इनिशिएट हो सकती है। तो आप इन दोनों लेवल को, इन दोनों के बीच कंसिडर कर सकते हैं बाइंग को। अगर हम टारगेट्स की बात करेंगे तो टारगेट्स आप इसके रेजिस्टेंस को ले सकते हैं 1585, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1585 को आप एज अ टारगेट लेकर चल सकते हैं। अगर हम इसके लास्ट डे ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो इसने 55.07% की डिलीवरीज की हैं, जो बहुत ही अमेजिंग है। 25 से ऊपर की डिलीवरीज अच्छी होती हैं, तो इसने 55% की डिलीवरीज की हैं, जो बेहतरीन है। जो ओपन हुआ था 1481 पर और क्लोज हुआ 1447 पर। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको किसी और स्टॉक के बारे में फंडामेंटल्स या बाइंग लेवल टारगेट्स इंफॉर्मेशन चाहिए है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उस पर भी आपको वीडियो बनाएंगे। या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करके हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर हमने आपको अपना नंबर भी दिया है। टेलीग्राम लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और अगर आपको हमारे वीडियो हेल्पफुल लगते हैं या पसंद आते हो तो प्लीज़ गाइस डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग शेयर मार्केट विद सीके। बाय बाय।